अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट थर्ड जनरेशन एंड देयर फीचर्स। लेक्चर नंबर 13, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। द पीरियड 1963 टू 1971 इज़ रफली कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि थर्ड जनरेशन जो है वो 1963 से लेके 1971 तक रही है, यानी कि उसका पीरियड इतना था, टाइम पीरियड इतना था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आ गई थी। नेक्स्ट है, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स वर डिवेल्प्ड बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी। यानी कि इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स जो डिवेल्प हुआ था, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि आईसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी जो कि सेकेंड जनरेशन की नस्बत ज़्यादा बेहतर थी। नेक्स्ट है, इन कंपैरिजन टू द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन, द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज स्मॉलर। अगर सेकेंड जनरेशन के साथ कंपेयर किया जाए थर्ड जनरेशन को, तो थर्ड जनरेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है सेकेंड जनरेशन की नस्बत। इसलिए ये जो जनरेशन है आई थी, क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन थी उसके अंदर था हमारे ट्रांजिस्टर्स, वो भी बड़े थे, लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ छोटा था। इन द कंपेरिजन टू द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन, द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वॉज लेसर। अगर कंपेरिजन किया जाए, अगर देखा जाए कि सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में क्या फ़र्क था, तो वो ये फ़र्क था कि जो सेकेंड जनरेशन थी उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम बहुत ज़्यादा लेती थी सेकेंड जनरेशन काम करने के लिए, रनिंग के लिए, एग्जीक्यूटिंग के लिए। लेकिन जो थर्ड जनरेशन है वो काम करते हुए या एग्जीक्यूट करते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेती है इजीली। नेक्स्ट है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर एंड आल्सो जनरेटेड लेस हीट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, जैसे कि आईसी जो है वो पावर भी, यानी कि पावर जो है, एनर्जी जो है वो भी कम लेता था, और हीट भी कम प्रोड्यूस होती थी, हीट भी कम जो है इसके अंदर से निकलती थी। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इन द थर्ड जनरेशन वॉज आल्सो लो। यानी कि अगर हमने ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, अगर वो ख़राब हो जाता था या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था होता इसको इस मेंटेनेंस कराना इसकी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कम चीपर होती थी, कि हम कम ही पैसों में जो है वो इसकी मेंटेनेंस करवा लेते थे। हाई लेवल लैंग्वेज यूज सच एज बेसिक कोबोल एंड पास्कल एंड फोर्ट्रॉन आल्सो। यानी कि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे कि बेसिक एक लैंग्वेज है कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये इसके अंदर यूज़ होती थी, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हम ह्यूमन बींग्स जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन हमें इजीली समझ आ जाए, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इसके लिए ये लैंग्वेज हमें ये वाली लैंग्वेजेस जो हैं ये यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वॉज ईजियर फॉर कमर्शल यूज़। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए बहुत आसानी होती थी हमें कमर्शल यूज़, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे हम ईजीली जो है इसको यूज़ कर सकते थे, और ये ईजीली यूज होते हो जाती थी क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा था। नेक्स्ट है इसके फीचर्स, फास्टर स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की नस्बत। थर्ड जनरेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत जल्दी काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन जल्दी होती है, रनिंग जल्दी होती है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स कि इसके अंदर
ऐसा नहीं होता कि अचानक से स्टक हो जाए कंप्यूटर का सिस्टम जो है स्टक हो जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इजीली हम इसके अंदर काम कर सकते हैं और जितनी देर मर्जी इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। जनरेटेड लेस हीट, वही बात कि इसके अंदर ये हीट जो है वो बहुत कम जनरेट होती है, यानी कि हीट जो है बहुत कम निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। लेसर मेंटेनेंस, यानी कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि ये नहीं होता कि हर वक्त ही वो ख़राब हो जाए, कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, अदरवाइज इतना ज़्यादा इसको इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कम यूज़ होती है इसकी वजह से, यानी कि इसके वोल्टेजेस वगैरह जो है वो कम यूज़ होते हैं बनिस्पतन सेकेंड और थर्ड फर्स्ट जनरेशन। स्टिल कॉस्टली, यानी कि कॉस्टली तो है लेकिन इसकी ये बेनिफिट्स भी हैं। हायर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी जो है स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थर्ड जनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब इसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस कह लें कि इसके नुकसान क्या हैं। इन दिस जनरेशन फॉर्मल ट्रेनिंग वॉज नीडेड टू यूज़, इस जनरेशन के अंदर हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है, एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए। एयर कंडीशन स्टिल यूज़ इवन इफ़ दे प्रोड्यूस लेस हीट, और इसके अंदर एसीज भी यूज़ होते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर्स भी यूज़ होते हैं। बेशक ये कम हीट प्रोड्यूस करती है करता है लेकिन फिर भी इसके अंदर एयर कंडीशनर्स ज़रूर यूज़ होते हैं और अभी तक यूज़ हो रहे हैं। मेंटेनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इज़ नॉट ईजी, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं इनकी चिप्स जो होती हैं वो इतनी आसानी से मेंटेनेंस या मेंटेन नहीं रहती, सही नहीं रहती इतनी आसानी से। ये थी आज की हमारी थर्ड जनरेशन। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर नॉलेज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।